विषय पर चढ़कर भाग लेते हैं। किसी भी देश के भविष्य और तरक्की के लिए नशा सबसे बड़ी रुकावट है। नशीले पदार्थ का सेवन करना व्यक्ति के लिए मानसिक, शारीरिक और सामाजिक वर्ग के लिए बहुत बुरा प्रभाव है। स्पीक लाउडली, जोर से बोलिए। शराब पीने से लोग सोचते हैं शराब पीने से उसके दुख समस्या उसके मुक्त हो जाएगा, लेकिन इससे बहुत सारी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, जैसे कैंसर, गले में फेफड़ा से हो जाते हैं, फिर तक गले का तंत्रिका तंत्र खराब कर, जिसका कैंसर जैसी बीमारी यहाँ पे नहीं इसका इलाज हो पा रहा है। इससे घर में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। समाज में भी इसका बहुत बुरा प्रभाव, खास करके बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है, उसके पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आज के समय में, आधुनिक समय में युवा वर्ग, नौजवान नशे पदार्थों पर झुक रहे हैं। हमें नशे के कारण व्यक्ति सही और गलत करने में भूल जाते हैं। हमें एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए नशे जैसे चीज को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। आज के समय में कई ऐसी समस्या है जो नशे मुक्त के लिए अभियान चल रही है। किसको नहीं मिला? बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा बोले। अगला सर किनका नाम है? काजल कुमारी, प्लस टू हाई स्कूल डुमरिया बुजुर्ग, प्रोजेक्ट बालिका हाई स्कूल डुमरिया बुजुर्ग। बैठ जाइए, जोर से बोलिए। प्लीज स्पीक लाउडली, जोर से बोलेंगे। सम्मानित अतिथिगण, परम आदरणीय गुरुजन, यहाँ पर सभी उपस्थित, यहाँ पर सभी उपस्थित, थोड़ा जोर से बोलेंगे तब ना आवाज आएगी इसमें। पदाधिकारी महोदय, नशे एक हानिकारक चीज है। नशे में लोग अपनी सही और गलत का फर्क भूल जाते हैं। नशे में लोग शर्म संकोच खो जाते हैं। नशे में कई बीमारियां होती है। नशा एक बहुत बड़ा हानिकारक चीज है जिससे लोग बहुत डरते हैं। हो गया, थैंक यू वेरी मच। अगला कोई और है? नहीं, तो ही है।